नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने स्टूडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआर काबल इसके आईपीओ के अलॉटमेंट के बारे में। और कहीं ना कहीं यहां पे जो आईपीओ का अलॉटमेंट है वो T+3 डे में होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि T+6 डे की उम्मीद थी यहाँ पे। कहीं ना कहीं अगर आप इसकी टाइमलाइन देखेंगे तो आईपीओ 13 से 15 सितंबर के बीच खुला था, जहां पे अलॉटमेंट 21 सितंबर को फाइनलाइज होने वाला था, 22 सितंबर को रिफंड, 25 सितंबर यानी कि सोमवार के दिन आपको क्रेडिट होते शेयर आपके डीमैट अकाउंट में, और 26 सितंबर के दिन आईपीओ की लिस्टिंग डेट यहां पे मानी जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अब न्यूज निकल के आ रही है और जो चीज देखने को मिल रही है वो ऐसा है कि अब यहां पे आरआर काबिल की जो 14 शेयरों की बिड थी, जो कि 983 से लेके 1035 की प्राइसिंग रखी गई थी, अब इसकी जो अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो कंपनी ने बताया कि T+3 डे में लिस्टिंग यहाँ पे होती हुई दिखाई देगी। और कहीं ना कहीं अलॉटमेंट चालू हो गया, आप अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं आपको मिला है या नहीं मिला, अगर आपने यहाँ पे अप्लाई किया है तो। और साथ ही साथ कल है गणेश चतुर्थी की छुट्टी और परसों यानी वेडनेसडे को इसकी एस्टिमेटेड लिस्टिंग के चांसेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और बहुत से लोगों के पास मैसेज भी आने चालू हो गए कि क्रेडिट होते हुए दिखाई दे उनके शेयर पे, शेयर जो है उनके डीमेट अकाउंट पे। मेरे पास भी मैसेज आ चुका है, अगर मुझे अलॉटमेंट यहाँ पे मिला है तो मुझे भी मैसेज इसके आ चुके हैं एक दो में। आपको यहाँ पे अगर चेक करना है तो आप यहाँ पे बीएससी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो इनका रजिस्ट्रार है लिंक्डइन टाइम के आईपीओ का जो लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे भी जाके आप अपनी आईपीओ की जो है अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे चेक करना है, आप इसमें जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बॉक्स खुलेगा, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आरआर काबिल और यहाँ पे अपना पैन नंबर जैसे आप डालेंगे और सर्च करेंगे तो आपको अलॉटमेंट मिला है नहीं मिला इस चीज का आपको कंफर्मेशन आ जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें किस तरीके की लिस्टिंग देखने मिल सकती है, तो अभी फिलहाल ग्रे मार्केट में जो प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है 104 रुपए के आसपास का चलता हुआ दिख रहा है, जो कि कहीं ना कहीं 118 रुपए के आसपास चल रहा था। और जब इसके अनाउंसमेंट देखने मिले थे तब कहीं ना कहीं ये जो लिस्टिंग का प्राइस में जो जीएमपी था वो लगभग 250 रुपए के आसपास चलता हुआ दिख रहा था, तो जो 25% के आसपास की लिस्टिंग का चांसेस था वो कहीं ना कहीं अब अराउंड 10% के आसपास का बच गया है। तो अब देखना होगा किस तरीके की लिस्टिंग होगी, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे जुपिटर हॉस्पिटल की जो लिस्टिंग होती हुई दिखाई दी है वो लिस्टिंग एस्टिमेट से कहीं ना कहीं अच्छी होती हुई दिख रही है, 1000 के पार जाके भाव चलता हुआ दिखाई दिया। तो यह हो सकता है यहाँ पे आपको एक सरप्राइज देखने को मिल जाए, हो सकता है जिस तरीके का ग्रे मार्केट प्राइस चलता हुआ दिख रहा है 1140 के आसपास का, 10% के आसपास का, तो 10 से 15% के आसपास का लिस्टिंग गेन के साथ ये स्टॉक ओपन होता हुआ दिखे तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद फिर परफॉर्मेंस किस तरीके की चलती हुई दिखाई देगी ये चीज इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसका जो आईपीओ था लगभग 8-9 गुना भरता हुआ दिखाई दिया था, तो 18 गुना माफ कीजिएगा लगभग भरता हुआ दिखाई दिया, तो बहुत ही शानदार जो था इसको रिस्पांस जो था वो देखने को मिला था। बड़ा इशू साइज है कहीं ना कहीं, अगर आप इसका इशू साइज भी देखेंगे तो 1964 करोड़ के आसपास का था, छोटा मोटा इशू नहीं था। जैसे कि 300-400 करोड़ का इशू हो तो समझ आता है कि वो 50 गुना 60 गुना 70 गुना भरा है, लेकिन 2000 करोड़ के इशू के हिसाब से ठीक ठाक यहाँ पे जो है सब्सक्रिप्शन देखने मिला। अलॉटमेंट के जो चांसेस है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट सबके लिए बराबर ही होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ अलॉटमेंट की अगर नंबर देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आया था, रिटेल कोटा सिर्फ 2 गुना भरता हुआ दिखाई देता है, यानी कि लगभग ऑलमोस्ट जिन्होंने भी लगाया होगा उनको एक लॉट तो एटलीस्ट मिल ही गया होगा, ये चीज मान के चलनी चाहिए। अब लिस्टिंग किस तरीके की होगी ये इंपॉर्टेंट होता हुआ दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।